वर्ष 2020 के आखिरी दिन जिले के आईएएस अफसरों का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां अंतिम दिन विकास कार्यों का लेखा जोखा तैयार करने पर प्रशासनिक महकमा लगा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आईएएस इंद्रजीत सिंह और एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाके में भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले विकलांग युवक के लिए उसके जीवन में खुशहाली लेकर आए और दिव्यांग युवक को नए वर्ष के उपहार स्वरूप ट्राइसाइकिल गिफ्ट किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि बेलीपार थाना क्षेत्र का रहने वाला दिव्यांग युवक प्रतिदिन दीवानी कचहरी चौराहे से कैंट चौराहे की तरफ जाने वाले भीड़भाड़ एरिया में सड़क के किनारे बैठकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था और उसी से मिले पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जिस सड़क पर दिव्यांग बैठकर भीख मांगता था, उस रास्ते से प्रतिदिन कई जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिले के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल की नजर जब उस दिव्यांग युवक पर पड़ी तो उन्होंने उसकी मदद के लिए सीडीओ आईएएस इंद्रजीत सिंह से बात की, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने दिव्यांग कल्याण विभाग से संपर्क करके उसे ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया और उसे हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस अनुपम जैन, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी नितिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिव्यांग युवक व जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी नितिन और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, ये आप घर में छुड़वाएंगे, आपको ये रखना आराम से चलाना है, ठीक है, चला के और वहाँ नहीं बैठना है जहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है, जाएगा सारा व्यवस्था हाँ दिलवा देंगे, दिलवा देंगे, जमीन का पट्टा कर देंगे, जब जमीन दिलवा देंगे पट्टा करवा देंगे। अरे तो अभी आप कह रहे थे कि साइकिल से क्या होगा, साहब कुछ अरे सब शुरुआत तो करने को है, बाकी के व्यवहार दे क्या कर देते, यहाँ पर रोड पे भीख मांग रहते हैं और कचहरी जो है विकास भवन है वहाँ पर आए हैं और जैसे कि साहब मिले रहते हैं तो साहब मदद करने के लिए धन धन्यवाद है, बहुत अच्छे हैं कि रोड पे भीख छुड़ा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, हम चाह रहते हैं कि भिक्षा नहीं मांगें, हम कुछ और आगे मुके कार्यक्रम बढ़ाइए और साहब हमारा गरीब आदमी है और मकान वकान नहीं है, वो सबको व्यवस्था साहब कहें करा देंगे, और बटली वाले हम गाड़ी चाहते हैं तो टाई मिल गया है, लेकिन काम चलाने के लिए टाई साइकिल मिला है, उसके बाद बटली गाड़ी मिलेगा, अभी तक तो भीख मांग के चलता था, भीख से जैसे कि भीख से अपना जी खा रहते हैं और माँ पिता का भी ख्याल आते हैं और भी मैंने एकदम गरीब हैं, एकदम गिरे हैं, रोड पर बैठ कर भीख मांगते हैं। पेंशन मिलता है कि नहीं, पेंशन मिलता है 3 महीने में 1500 आता है। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने रंकज को ट्राईसाइकिल प्रोवाइड की है, ये कृति मंगल योजना के तहत है हमारे जो डिपार्टमेंट में है, इसका आगे ये हम लोगों का प्लान है आगे डीएम सर के और सीडीओ सर के मार्गदर्शन में कि आगे मोटराइज ट्राईसाइकिल भी इन लोगों को दी जाएगी, जिससे इनको अपना जीवन यापन करने में और भी सुविधा हो सके और जितना ये डिपार्टमेंट और कर सकता है डीएम सर और सीडीओ सर के अंतर्गत वो और भी हम इन लोगों को सुविधा प्रोवाइड करेंगे। हमारे सदर एसडीएम है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव है और गौरव ने ये जब इनको देखा कि ये सड़क पे थे तो गौरव ने इनके इनसे बात की, इनको मोटिवेट किया कि आप भीख नहीं मांगेंगे, जो सरकारी हेल्प आपको दी जाएगी, तो ये गौरव ने फिर ये विकास भवन में इसमें कॉन्टेक्ट किया तो जो स्कीम थी पात्रता के मुताबिक इनको ट्राईसाइकिल दिलवाई और आगे भी जो हमारी स्कीमें हैं उसमें हम लोग इनको लोन दे के, और मेरी भी इससे बात हुई थी रंकज है कि ये बोल रहे हैं कि अब मैं अपना काम शुरू करूँगा, तो मैं इसके लिए गौरव को बधाई देता हूँ, हमारे एसडीएम सदर को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल काम किया है, तो वो बधाई के पात्र हैं।